हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुदेव, कौन है वो नागिन जो असुर कुल में असुरों के शत्रु को जन्म देने का दुस्साहस कर सकती है? आप मुझे उसका नाम बताइए गुरुदेव, मैं उस नागिन और उसके सपोले को मार डालूंगी। बताइए उसका नाम गुरुदेव, बताइए। वो कोई और नहीं, तुम्हारी छोटी रानी कैदु है। क्या कैदु? गुरुदेव आ गए। गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी है। कोई मायावी शक्ति कयाधु के प्राण हरना चाहती है। हम सब ने कयाधु के अंतर से कृत्या और उसका पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र को देखा। कदाचित ये देवताओं का षड्यंत्र भी हो सकता है। हो सकता है नहीं महारानी, ये देवताओं का ही षड्यंत्र है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी। वो जो कृत्या आप सबने देखी थी, उसे हमने ही भेजा था। और वो सुदर्शन चक्र छलिया विष्णु ने भेजा था। विष्णु ने? परंतु क्यों गुरुदेव, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? इससे तो कयाधु के प्राण संकट में आ सकते थे। यदि कयाधु को कुछ हो जाता तो असुरेश्वर के क्रोध के प्रकोप को कौन सहन करता? गुरुदेव, हम असुरों ने सदैव ही देवताओं से सीधी टक्कर ली है। कभी किसी को माध्यम बनाकर अपनी वीरता पर कलंक नहीं लगाया। और आपने कयाधु के अंतर में कृत्या को भेजकर और सुदर्शन चक्र? नहीं नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी, यदि तुम सत्य से तनिक भी परिचित होती तो यूं अनर्गल प्रश्नों का कीचड़ हम पर ना उछालती। तो आप ही बताइए गुरुदेव कि सत्य क्या है? इस समय हम सबकी बुद्धि शून्य हो गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी, हम जो सत्य बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कड़वा और कठोर है, इसलिए उसे ध्यानपूर्वक और दृढ़ता से सुनो और उस पर विश्वास करो। असुर कुल में एक महाभयंकर घटना घटने वाली है। महाभयंकर घटना? असुर कुल में एक महा असुर द्रोही विष्णु का परम भक्त जन्म लेने वाला है। विष्णु का भक्त? गुरुदेव, कौन है वो नागिन जो असुर कुल में असुरों के शत्रु को जन्म देने का दुस्साहस कर सकती है? आप मुझे उसका नाम बताइए गुरुदेव, मैं उस नागिन और उसके सपोले को मार डालूंगी। बताइए उसका नाम गुरुदेव, बताइए। वो कोई और नहीं, तुम्हारी छोटी रानी कैदु है। क्या कयाधु? क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मेरा मन आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास करना होगा महारानी, विश्वास करना होगा, क्योंकि स्वयं हमने अपनी दिव्य दृष्टि से रानी कयाधु के गर्भ का निरीक्षण किया है। बरगद के पत्ते पर लेटे एक बालक को देखा है जो निरंतर नारायण नारायण नाम का जाप कर रहा है। परंतु गुरुदेव, ये किसी की माया भी तो हो सकती है। हमारे मन में भी शंका ने अपना सिर उठाया था, और हमने अपनी शंका दूर करने के लिए रानी कयाधु ने जो रस पिया था उसे विष में बदलकर उस बालक को मार डालना चाहा। परंतु स्वयं कयाधु के अंतर में देवी गंगा प्रकट हुई, उसने वो विष पीकर उस बालक की रक्षा की।
और इस बार हमने कृत्या का निर्माण करके उसे उस बालक की हत्या करने के लिए भेजा, परंतु विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजकर हमारे प्रयास को भी विफल कर दिया। इस घटना को तो आप सभी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, क्या फिर भी आप सब अपने मन के द्वार पर शंका या संदेह को भिक्षु बनाकर खड़ा किए रहेंगे? बड़ी महारानी, इसमें रानी कयाधु का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो विष्णु और देवी गंगा का है जिन्होंने कयाधु को माध्यम बनाकर यह षड्यंत्र रचा है। परंतु मैं असुरों का गुरु होने के नाते छोटी रानी को यह आदेश देता हूं कि वो असुरों के हितों की वेदी पर अपनी ममता की बलि चढ़ाए और अपने गर्भ को नष्ट कर दे। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं अपनी ममता का बलिदान नहीं कर सकती। मेरा पुत्र तो असुर कुल का दीपक होगा, उससे किसी को क्या हानि हो सकती है? गुरुदेव, आपको अवश्य ही भ्रम हुआ है। कयाधु, ये क्या कह रही हो? कयाधु, आज तक गुरुदेव ने कभी भी असत्य कथन नहीं किया है। कयाधु, हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, परंतु तुम्हें हमारी बात पर विश्वास करना चाहिए। कैसे करूं आपकी बात पर विश्वास गुरुदेव, कैसे करूं? आप देवताओं की दुश्मनी मेरे पुत्र से निकाल रहे हैं। कयाधु, हमें क्रोध न दिलाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा अनर्थ। यदि अनर्थ होना ही है तो आप मेरा वध कर दीजिए, मेरा वध कर दीजिए गुरुदेव। मैं उफ तक नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, परंतु गुरुदेव, मेरे जीते जी मेरे पुत्र की हत्या ये मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। सम्मुखी, समझाओ इस नादान माँ को, हम स्त्रियों के मुंह नहीं लगते। ऐसे समय में तुम्हारा और युवराज आह्लाद का चुप रहना भी उचित नहीं है। असुरेश्वर के ना होने के कारण कयाधु के गर्भ को नष्ट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोगों की। यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो असुरेश्वर को उत्तर आप दोनों देंगे, आप दोनों। कयाधु, तुमने गुरुदेव का अपमान और उनकी अवज्ञा करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही होगा। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, गुरुदेव तो मेरी भावना को समझ नहीं सकते। पर दीदी, आप तो एक स्त्री है ना, आप तो मुझ पर दया कीजिए। दीदी, असुर कभी किसी पर दया नहीं करते। नहीं, आपको मुझ पर दया करनी होगी, आपको मेरी बात समझनी होगी। दीदी, आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। दीदी, आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। चलो आल्हाद। दीदी, दीदी नहीं। हे गंगा, तुमने अपने आशीर्वाद से असुर लोक में विष्णु भक्ति के विष का जो बीज बोया था उससे फूटने वाले अंकुर को मैंने उखाड़ फेंकने का अटल प्रबंध कर दिया है। अब देखता हूं कि मेरे इस निश्चित आदेश का कौन विरोध करता है। माताश्री, आप रो रही हैं माताश्री? ये कैसी विचित्र घड़ी है आल्हाद, हमारी खुशियों को देवताओं की नजर लग गई है। मैं कयाधु के साथ खुशियों के झूले में बैठकर
विहार कर रही थी, परंतु ये झूला कब टूट कर नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। परंतु माताश्री, ऐसे संकट के समय हमें क्या करना चाहिए? पिताश्री के न होने से ये समस्या हमारे लिए और भी जटिल हो गई है। हाँ, हाँ अल्हाद, इस समय मुझे भी असुरेश्वर की बहुत कमी खल रही है। माताश्री, अब जो भी हो इस समस्या से जूझना तो हमें ही पड़ेगा, इसलिए अपनी भावना और भावुकता पर अंकुश लगाना होगा और गुरुदेव के आदेश का पालन करना होगा। इसका अर्थ है कि मुझे अपने पुत्र की हत्या करनी होगी। नहीं दीदी, नहीं, मुझसे यूं मुंह ना मोड़िए दीदी। विपत्ति के इस समय आप मेरा साथ ना छोड़िए दीदी, मेरा साथ ना छोड़िए। आपने अब तक एक माँ की भांति मुझे स्नेह दिया है, क्या पल भर में वो सारे नाते टूट गए? मैं आपके लिए पराई हो गई, आपकी शत्रु बन गई। नहीं दीदी, आप भी एक माँ हैं और एक माँ को ऐसी निर्दयता शोभा नहीं देती, नहीं देती। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मेरी तरफ देखिए, देखिए मेरी तरफ दीदी, बताइए, बताइए मेरा क्या दोष है, मेरे निष्पाप अजन्मे पुत्र का क्या दोष है? मैं किस पाप का दंड दूं अपने निष्पाप पुत्र को? दीदी, आप भी एक माँ हैं, अपने दिल को पत्थर का ना बनाइए दीदी। आपको अपनी ममता की कसम, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा दीदी, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। बस करो कायदु, बस करो। इस समय मेरे सामने गुरुदेव का आदेश और असुरों के हित का प्रश्न है। इस समय मैं स्वयं धर्म संकट में हूं। ये राजनीति है कयाधु, राजनीति, इसमें मेरी ममता को ना घसीटो। और यदि यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती ना, तो मैं अपने पुत्र का बलिदान करने से कभी पीछे ना हटती। कयाधु, तुम्हें गुरुदेव के आदेश का पालन करना होगा। नहीं दीदी, दीदी, नहीं दीदी, दीदी। हे गंगा मैया, मैं जानती हूँ कि भगवान विष्णु और आपकी छत्र छाया में मेरा अजन्मा पुत्र सुरक्षित है, परंतु मैं अपनी ममता को क्या करूं जो अपने पुत्र पर उठने वाली हर तेरी नजर पर ही तड़प उठती है। मैं माँ हूँ, माँ, अपने पुत्र पर अपनी जान न्यौछावर कर सकती हूँ, परंतु परंतु इन असुरों के बीच मैं विवश हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अपने पुत्र पर होने वाले हर घातक प्रयास पर मेरे अंदर एक नागिन फन उठाती है, परंतु परंतु इन शत्रुओं के बीच मेरे अंदर की नागिन केवल बल खा कर रह जाती है। हे गंगा मैया। गंगा मैया,
गंगा मैया, ये चमत्कार है, ये सपना, मैं आपकी गोद में हूँ। हाँ पुत्री, संतान माँ की गोद में सुरक्षित होती है। तुम मेरी पुत्री हो और तुम मेरी अप्रत्यक्ष गोद में सदा सुरक्षित रहोगी। परंतु मेरा अजन्मा पुत्र, सभी उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं, उसका मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी ममता की तड़प को समझती हूँ और तुम्हें अपनी प्रत्यक्ष गोद में बिठाकर संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देना चाहती हूँ। क्या मेरी गोद में तुम्हें सुरक्षा का आभास नहीं हो रहा? हाँ मैया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सीप में बंद मोती की भांति सुरक्षित हूँ। तुम और तुम्हारा पुत्र सीप में बंद मोती से भी अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि तुम दोनों की रक्षा स्वयं प्रभु और प्रभु की इच्छा से मैं भी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैया, फिर भी मेरी ममता आशंकाओं के जाल से मुक्त नहीं हो रही है, और इसका कारण गुरु शुक्राचार्य हैं, जो महाज्ञानी हैं, महाशक्तिमान हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है पुत्री कयाधु। गुरु शुक्राचार्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो सब कुछ देख और भांप लेते हैं। प्रभु अंतर्यामी हैं, वो अतीत के अंधकार में देख सकते हैं और भविष्य की धुंध में भी। गुरु शुक्राचार्य नहीं चाहते कि मैं प्रभु के भक्त को जन्म दूं। परंतु प्रभु चाहते हैं कि उनका भक्त तुम्हारे ही अंग से जन्म ले। प्रभु की इच्छा ही होनी कहलाती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। कयाधु, तुमने प्रभु की जो भक्ति की है उससे प्रसन्न होकर ही प्रभु तुम्हें अपने परम भक्त की माता होने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। कयाधु, अपनी अज्ञानी ममता के कारण अनुचित शंकाओं में पड़कर प्रभु के प्रदान किए हुए गौरव का अपमान मत करो। अपमान? हाँ पुत्री, ममता तो दीवानी होती है, परंतु प्रभु की इच्छा पर संदेह करना बहुत बड़ी मूर्खता है, उनका अपमान है। इसलिए अनजाने में भी ऐसी भूल मत करना, क्योंकि शंका का विष श्रद्धा को नष्ट कर देता है। नहीं मैया, अब ऐसी भूल नहीं होगी, मुझे क्षमा कीजिए। हे गंगा मैया, आपने जो मुझे दर्शन दिए हैं उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।